अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग करेंगे एनाटॉमी को कंटिन्यू, और इस वीडियो में जो हमने पर्टिकुलरली करना है वो है आपका पेल्विक डायफ्राम, उसके अलावा जो साथ थोड़े से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर या पीरिनियल बॉडी होगा, यूरोजेनिटल डायफ्राम वगैरह। ठीक है, दीज आर अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे एक तो आपके ऑप्स में, पैथोलॉजीज में, इवन गायनी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपका क्वेश्चन आता है एसईक्यू में भी डायरेक्टली आता है, व्हाट इज पेल्विक डायफ्राम, राइट डाउन द मसल्स, इट्स देयर ऑरिजिन एंड इंसर्शन। उसके अलावा क्वेश्चन रिपीट और भी तरह से होता है कि व्हाट इज यूरोजेनिटल डायफ्राम, यूरोजेनिटल डायफ्राम क्या चीजें मिलकर बनाती हैं वगैरह वगैरह। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें, मोटी मोटी सी बातें बताऊंगी, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। तस्वीर आपको नजर आ रही है, तस्वीर किस चीज की है? ऊपर से हमने पेल्विक एरिया को पिक्चराइज किया है, एक प्यूबिक बोन ये है, दूसरी आपकी पेल्विक बोन, सॉरी ये पेल्विक बोन एक ही है, राइट पेल्विस, ये लेफ्ट पेल्विस है। ठीक है, आपको पता है कि आप उसका आईलिक क्रेस्ट है जो फैन आउट हुआ है, आईलिक क्रेस्ट ऊपर होता है, नीचे एक पीछे की तरफ होता है इसका इसकी और आगे की तरफ प्यूबिस। ठीक है, ये आगे जहां पर दोनों प्यूबिक बोन्स मिल रही होती हैं, ये है प्यूबिक सिम्फिसिस, ये वाला पोर्शन। पीछे की तरफ ये जो दोनों आइलिक क्रेस्ट के दरमियान में ये जो बोन है, दिस इज योर सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। ठीक है, मतलब जहां पर ये खत्म हो रही होती है, तो ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है। इसके बीच में जो आपको मसल का पूरा एक फ्लोर नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली वो मसल का फ्लोर जो पूरा फ्लोर ऑफ पेल्विस बनाता है, जिसके ऊपर सारे आपके पेल्विक विसरा सपोर्टेड होते हैं, जिसको हम पेल्विक डायफ्राम कहते हैं। तो पेल्विक डायफ्राम क्या हो गया? इट इज अ बेड ऑफ मसल्स दैट मेक्स द फ्लोर ऑफ द पेल्विस एंड सपोर्ट ऑल द पेल्विक ऑर्गन्स। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है कि जो पोस्टीरियर है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, और एंटीरियरली आते हुए थोड़ा सा नीचे हो जाता है। मतलब अगर मेरा हाथ ये है ना, पेल्विक डायफ्राम है, ये मसल्स हैं, तो यूं करके होगा। ठीक है, जैसे मेरे हाथ सीधा नहीं रखा हुआ, ऐसे सीधा होते हैं, ऐसे करके, ऐसे से मुराद है कि पोस्टीरियरली थोड़ा सा ऊपर है, यानी सैक्रम और कॉक्सिक्स वाले मसल्स थोड़े से ऊपर है, और आगे की तरफ थोड़े से नीचे हो जाते हैं। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको आगे बताऊंगी जब यूरोजेनिटल डायफ्राम बढ़ाऊंगी। तो बहरहाल अभी आपको नजर आ रहा है कि इसमें सिर्फ दो सुराख हैं, हालांकि फीमेल्स में तीन ओपनिंग्स होनी चाहिए। तो तीन ओपनिंग्स इस तरह से हैं कि जो पीछे वाली ओपनिंग है, दिस इज फॉर एनल केनाल। ठीक है, ये जो पीछे वाली गोल है, और जो आगे वाली एक ही इन्होंने बनाई हुई है, इसमें बेसिकली दो चीजें होती है। इसके पोस्टीरियर पोर्शन में, यानी कि इस जगह पर खुल रहा होता है वजाइना, और आगे की तरफ खुल रहा होता है छोटा सा यूरेथ्रा, और दोनों में सेपरेशन होती है बाय डिफरेंट फेशिया। तो ये दो हमारे पास होगी इसमें बड़ी बड़ी सी ओपनिंग्स। उसके बाद अभी जो मसल जिसको बना रहे हैं, उसमें जो सबसे मेजर रोल होता है वो लिवेटर एनआई का होता है। हम बहुत डिटेल में वैसे आपसे कह रही हूँ नहीं जाएंगे, सुपरफिशियल पेरिनाई, डीप पेरिनाई वगैरह वगैरह हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ वो करेंगे जितना हमने क्वेश्चन के आंसर में लिखना होता है। हमने क्वेश्चन के आंसर में लिखना होता है कि वेलो एक मसल फ्लोर जो मेनली बन रहा है वो लिवेटर एनआई से बन रहा है, वो आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। मैं भी आपको इस पिक्चर में, क्योंकि लेबलिंग नहीं है तो ऑरिजिन इंसर्शन बताना और भी आसान है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगी, फिर आपको तस्वीर दिखाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपको नजर आ रहा होगा कि फ्लोर ऑफ मसल्स जो बने हुए हैं, इसमें एक ये मसल जा रहे हैं, ठीक है, फाइबर्स जा रहे हैं ये, और एक ये मसल फाइबर जा रहे हैं, मेन ये दो हैं। ठीक है, पीछे थोड़े बहुत है, उनको जरा सा हम इग्नोर करते हैं। तो ये वाले जो दो मेजर फाइबर्स ऑफ मसल्स हैं, इस सारे को मिला के हम कहते हैं लिवेटर एनआई मसल्स। ठीक है, ये वाला सारा का सारा। अब लिवेटर एनआई में से दो पोर्शन होते हैं इस मसल के, एक होता है प्यूबोकॉक्सीजियस, तो ये जो स्ट्रेट स्ट्रेट जिसके फाइबर्स हैं, ये वाला, दिस इज द प्यूबोकॉक्सीजियस मसल। ठीक है, उसके बाद ये जो कर्व्ड फाइबर्स वाला, ये वाला, ये आपका इलियोकॉक्सीजियस है। ठीक हो गया। उसके बाद अब अगर हम जनरली बात करें कि ऑरिजिनेट कहां से करे पूरा लिवेटर एनआई, तो आपने याद रखना कि ये वाली जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये वाली लाइन, ये जो व्हाइट से कलर की है, ये व्हाइट वैसे ही नहीं बनाई हुई, बेसिकली जहां पर टेंडन आते हैं वो जगह व्हाइट हो जाते हैं। तो दिस इज टेंडनस आर्च ऑफ द पेल्विक फेशिया। ठीक है, पेल्विक फेशिया जहां पर जाके अटैच हो रहा होता है विद बोन, वहां पर एक टेंडनस सी आर्च बन जाती है विच अपियर्स व्हाइट। आपको पता है ना कि टेंडन इज के कोई भी अटैचमेंट टू द बोन जो होती है वो टेंडन होता है। तो यहां जहां पर पेल्विक फेशिया अटैच हो रहा होता है टू द बोन, वहां पर एक ये टेंडनस सी आर्च बन जाती है, व्हाइट लाइन इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको टेंडनस आर्च ऑफ पेल्विक फेशिया भी कहते हैं, व्हाइट लाइन भी कहते हैं। तो जब हम बात करेंगे कि ऑरिजिन कहां से हो रहा है मसल्स का, तो हम कहते हैं कि प्यूबिक ऑस से हो रहा है, यानी जहां पर ये प्यूबिस बोन है, ठीक है, इधर से ले रहे हैं। उसके बाद पूरी की पूरी व्हाइट लाइन से या फिर टेंडनस आर्च ऑफ पेल्विक फेशिया से ओरिजिनेट कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो एक और आपको बोनी एरिया सा नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये बोनी एरिया, दिस इज द इस्कियल स्पाइन। अब प्यूबिस खत्म होगी और इस्कियम शुरू होगी है, तो इसकी ओरिजिन तीन जगहों से होगी, प्यूबिक ऑस से, टेंडनस आर्च ऑफ पेल्विक फेशिया या व्हाइट लाइन से, एंड इस्कियल स्पाइन से, तीन जगह से ओरिजिन हो रहा है। अब इंसर्शन कहां हो रही है? इंसर्शन इनकी पर्टिकुलरली किसी खास जगह में नहीं हो रही होती, बल्कि दोनों साइड के मसल्स आपस में मिल रहे होते हैं। तो हम सबसे अगर एंटीरियरली शुरू करें, तो सबसे पहले क्या होता है कि दिस इज द एनल केनाल की ओपनिंग। ठीक है, तो जो चीज एनल केनाल से आगे होगी उसको हम कहते हैं प्री एनल एरिया, जो एनल केनाल से पीछे होगा उसको हम पोस्ट एनल कहते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि प्री एनल एरिया में द मसल्स ज्वाइन ऑपोजिट टू, मतलब ऑपोजिट फाइबर्स ऑफ द मसल ज्वाइन ईच अदर, एंड दिस इज द प्री एनल रेफी। ठीक है, रेफी का मतलब होता है जब राइट और लेफ्ट के फाइबर्स आपस में ज्वाइन करते हैं, वहां रेफी बन जाती है। तो राइट साइड का प्यूबोकॉक्सीजियस लेफ्ट से ज्वाइन करे, तो दिस इज द प्री एनल रेफी, एनल केनाल के सामने।
उसके बाद एनल कैनाल के पीछे वाली जगह पर जहां पर राइट और लेफ्ट प्यूबो कॉक्सीजियस फिर से एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, दिस इज द पोस्ट एनल रेफी। तो इनकी इंसर्शन एक प्री एनल रेफी में हो रही है, एक पोस्ट एनल रेफी में हो रही है। फिर जो एनल केनाल की वॉल है, जो एनल केनाल जब आ जाएगा इसके बीच, उसमें भी इंसर्ट हो रहे होते हैं और थोड़ा सा इधर कॉन्ट्रैक्टाइल एक्शन करते हैं, थोड़ा सा वजाइनल वॉल में भी इंसर्ट हो रहे होते हैं, जहां पर जब वजाइना आएगा उसकी वॉल में भी हो रहे होते हैं, तो वो भी इनकी इंसर्शन है। और चौथी इंसर्शन है इनकी, देखें कॉक्सिक्स में पीछे की तरफ, तो चार जगह प्री एनल, पोस्ट एनल, एनल केनाल, ये वजाइनल की वॉल एंड कॉक्सिक्स, ये इंसर्शन हो जाती है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात ही नहीं है। उसके बाद अगर अलग अलग से आपसे कोई पूछेगा तो आपको नजर आए कि प्यूबो कॉक्सीजियस मसल ऑरिजिनेट करे प्यूबिक ऑस से और एंटीरियर पार्ट ऑफ द व्हाइट लाइन से, और इलियो कॉक्सीजियस अराइज करे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आई व्हाइट लाइन एंड स्कियो स्पाइन से। ऐसा ही है, समझ आ गई बात। इंसर्शन का हो रही है, जो प्यूबो कॉक्सीजियस है वो सारा सेंटर में ही मिल रहा है तकरीबन, जिस तरह मैंने आपको बताया आपको, ठीक है। और जो इलियो कॉक्सीजियस है वो मेनली आपका, वो भी आके सेंटर में ही मिल जाता है, जस्ट बीनीथ द प्यूबो कॉक्सीजियस, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। और एज अ रिजल्ट ये सारे आपके एब्डोमिनल मसल्स को, सॉरी एब्डोमिनल विसरा को और पेल्विक जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको सारों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये आपका सवाल का जवाब होता है, इंतहाई सिंपल। अब थोड़ी सी बात आ गई थी यूरोजेनिटल डायफ्राम की, तो यूरोजेनिटल डायफ्राम मैंने आपको बताया था कि अब देखें ये वाला ना ऐसे करके है स्ट्रक्चर सारा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, जो इसका एंटीरियर मोस्ट पोर्शन है ना ये वाला, मतलब जहां पर आपके पेल्विक मसल्स का ये एंटीरियर पोर्शन है, इसके नीचे फेशिया की लेयर्स हैं, उन फेशिया की लेयर्स को आप कहते हैं कि दे आर द यूरोजेनिटल, से क्या पता चल रहा है कि एक यूरिनरी सिस्टम और एक जेनिटल सिस्टम उसके साथ ताल्लुक में होगा। तो वो जो ट्रायंगुलर सा एरिया बनता है जहां फेशिया की लेयर्स है उसको आप यूरोजेनिटल डायफ्राम कहते हैं, और उससे पीछे जो एनल केनाल वाला एरिया, देखें यूरिनरी और जेनिटल तो हमने कर लिया, यानी कि इस एरिया के नीचे की बात तो हमने कर ली, एनल केनाल को हमने छोड़ी, तो एनल केनाल के नीचे जो एरिया था उसको एनल डायफ्राम कहते हैं। अब इसका तस्वीर से देख लेते हैं। अच्छा जी, अब आप यहाँ पर देखिएगा साइड व्यू से, यहाँ पर से आपको यूरोजेनिटल डायफ्राम की पहले थोड़ी सी ज्यादा समझ सही से आएगी। अच्छा, अब आपका जो पहले हम बात कर रहे थे अभी तक पेल्विक डायफ्राम का लिवेटर एनआई मसल्स का, देखिए हमने कहा था वो थोड़े से डाउनवर्ड और फॉरवर्ड है, अब आप ये देखिए दीज आर द लिवेटर एनआई मसल्स, ठीक है, ये लिवेटर एनआई मसल थोड़े से पीछे की तरफ से उठे हुए और नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है जी, ये लिवेटर एनआई मसल्स हैं, ये आगे तक भी आते हैं। उसके बाद जो इंटीरियर मोस्ट पोर्शन है लिवेटर एनआई मसल, यहाँ आगे तक भी आते हैं, ठीक है, तस्वीर में इन्होंने थोड़े से पीछे तक बनाए हुए, यहाँ आगे तक आ रहे होते हैं। अब तस्वीर में आप देखिएगा कि जो आपका पेल्विक डायफ्राम है उसके ऊपर एक फेशिया है जिसको इन्होंने लेबल किया है सुपरफिशियल वजाइन फेशिया ऑफ द पेल्विक डायफ्राम, ये जो ब्लू लाइन है ना इस रेड वाले मसल के ऊपर ब्लू लाइन, दिस इज द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम, फिर इस रेड वाले मसल के ऊपर ये जो इसके नीचे जो ब्लू लाइन है उसको कहते हैं हम इन्फीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम, तो ये तो आपका पेल्विक डायफ्राम हो गया, ठीक है। पेल्विक डायफ्राम के जो नीचे वाले एरिया को हम कहते हैं एनल डायफ्राम, क्योंकि यहां पर अब सिर्फ एनल केनाल ने आना है। अब ये आगे वाला एरिया देखें जो पेल्विक डायफ्राम से बिल्कुल एंटीरियरली और थोड़ा सा इन्फीरियरली है, जो कि यूं करके जा रहे हैं, इसके फिर से दो लेयर्स हैं, ठीक है, एक ब्लू लेयर ये है, एक ब्लू लेयर ये है, तो ये जो ऊपर वाली ब्लू लेयर है दिस इज बेसिकली सुपरफिशियल फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम ये वाली, और ये जो नीचे वाली ब्लू लेयर दिस इज द डीप फेशिया या फिर इन्फीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम, और ये दोनों मिला के अब आपका बना देंगे इन्फीरियर फेशिया और ये ऊपर वाला सुपरफिशियल फेशिया, ये दोनों मिला के आपको यूरोजेनिटल बनाते हैं। अब आप देखिए इसमें से एक यूरिथ्रा पियर्स होके जाएगा, एक वजाइना होके पियर्स जाएगा, इसीलिए इसको यूरोजेनिटल डायफ्राम कहते हैं। और ये होता कुछ भी नहीं, बेसिकली एक ट्रायंगुलर एरिया होता है, एक मस्कुलर सा, मस्कुलर तो नहीं मैं कहूंगी, फेशियल, दो फेशिया की एक लेयर्स होती है जिसको आप यूरोजेनिटल डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। इसमें से ये दोनों चीजें पियर्स करके जब आती हैं तो इस स्पेस को, अब ये जो अगली स्पेस है इसको सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस कहते हैं। देखिए लेबल भी हुआ है, ये वाली जो, ये तो डायफ्राम हो गया ना, एक सुपरफिशियल फेशिया था उसका एक डीप फेशिया था, ये पूरा एक डायफ्राम है, उसके नीचे वाली जो स्पेस है इसको सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस कहते हैं। और इसके बाद आपकी डायरेक्टली आउटसाइड द वो ओपनिंग हो जाती है जो आपकी आउटर सर्फेस पे स्किन पे, तो सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस जो है उसकी जो सबसे आखिर वाली कवरिंग है जो ब्लू लाइन एक और आपको नजर आ रही है वो है कूलीज फेशिया से, सबसे सुपरफिशियल कूलीज फेशिया होता है। तो बस आपने इतनी बात याद रखनी, इससे ज्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। अगर आप यूरोजेनिटल डायफ्राम को एक और तस्वीर में मैं आपको दिखाऊं जो नीचे से है, तो ये आप देख लें। अब इस तस्वीर में आपको नजर आया दिस इज द पोस्टीरियर पोर्शन कॉक्सिक्स, ये प्यूबिक रेमस है। उसके बाद ये जो आगे इंटीरियरली है ना, ये ट्रायंगुलर सा एरिया, दिस इज योर यूरोजेनिटल डायफ्राम, देखिए इसमें एक यूरिथ्रल ऑरिफिस है, एक वजाइनल ऑरिफिस है, और ये जो पोस्टीरियरली है, ठीक है, जिसमें इन्होंने दिखाया हुआ लिवेटर एनआई मसल के फाइबर्स आ रहे थे, इसको एनल ट्रायंगल कह दिए इन्होंने, ठीक है, और इसमें एनल केनाल है, दैट्स इट। मतलब इतना बस आपने याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि एनल केनाल और वजाइना के दरमियान में एक छोटी सी बॉडी बनी हुई होती है, उसको पेरिनियल बॉडी कहते हैं, दैट इज सिंपली अ मस्कुलर सा स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट बिटवीन एनल केनाल एंड वजाइना, ठीक है जी।
ये आपने याद रख लिया। उसके बाद अब आप चलते हैं थोड़ा सा ब्रॉड लिगामेंट की तरफ। अच्छा जी, तो ब्रॉड लिगामेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू आपके आते होते हैं। बस बहुत आसान सी बात है, आपने दो तीन स्ट्रक्चर्स को याद रखने, डिवीजन ही है बल्कि। ब्रॉड लिगामेंट होता क्या, पेरिटोनियम ऊपर से जब चलती हुई आ रही होती है तो वो रिफ्लेक्ट करके जाती है, ऐसे नीचे आएगी और ऐसे कर समझे कि ये एक चादर है, वो यूं ऊपर आई और ऐसे करके रिफ्लेक्ट होकर चली गई, मतलब यूं नीचे आई और फिर ऐसे एक गोल दायरा बना के चली गई, उसको ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं। यूट्रस की दोनों साइड्स पे बनता है, ठीक है, पर्दे की तरह देखें, एक तरफ से आएगी रिफ्लेक्ट करके फिर दूसरी तरफ से चली जाएगी, ठीक है, ऐसा हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी ये वाली फिलोपियन ट्यूब है, फिलोपियन ट्यूब रन कर रही होती है इनसाइड द ब्रॉड लिगामेंट, ठीक हो गया जी। और जब ये खुलेगी फिलोपियन ट्यूब का ये जो फिम्ब्रिया वाला एंड है, तो हम कहते हैं कि ये पेरिटोनियल कैविटी में खुलती है, क्योंकि ब्रॉड लिगामेंट आप समझ ले कि एक पर्दा है मेरे पास, ऐसे करके उसने लूप बनाया पर्दे ने, और उस पर्दे के अंदर अगर मेरी फिलोपियन ट्यूब लाए कर रही है तो इसका मतलब है कि वो जब खुलेगी तो पर्दे के अंदर खुलेगी ना, तो पर्दा क्या है, पर्दा इस लूप ऑफ पेरिटोनियम, और जब पेरिटोनियम के अंदर खुलेगी फिलोपियन ट्यूब इसका मतलब है कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर खुल रही होगी, ठीक है, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं, इसमें कोई मसले वाली बात भी नहीं है। अपने याद ये रखना है कि हमारे पास ये जो ब्रॉड लिगामेंट का पोर्शन है जी, ये ओवरी पड़ी हुई है, ठीक है, ये वाली जो आपकी है ओवरी है, ओवरी किसी ऊपर ऊपर जो ब्रॉड लिगामेंट का पोर्शन आ रहा होता है उसको हम कहते हैं मीजोसैल्पिंक्स, ठीक है, ये ब्रॉड लिगामेंट का पोर्शन, ओवरी इसके अंदर इनक्लोज नहीं होती, ओवरी बाहर होती है, आगे पड़ी हुई होती है, ओवरी आगे पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है बीच में एम्बेडेड है पर एम्बेडेड नहीं, ओवरी आगे है, पीछे की तरफ ये सारा सिलसिला चल रहा है, लेकिन ओवरी इस सिलसिले के साथ अटैच्ड है। अगर आप देखें यहां से हमने क्रॉस सेक्शन दिया है तो ये आपकी ओवरी आ गई, ठीक है, ओवरी, ये आपकी फिलोपियन ट्यूब आ गई, ये वाली जो ट्यूब है उसका क्रॉस सेक्शन आ गया, फिलोपियन ट्यूब आप समझ लें आप ऊपर पड़ी हुई है, फिलोपियन ट्यूब पड़ी हुई थी ब्रॉड लिगामेंट के बीच में, ये देखिए नजर आ रही है, एक लेयर है ब्रॉड लिगामेंट की और ये दूसरी लेयर है ब्रॉड लिगामेंट की, तो ये ब्रॉड लिगामेंट की दोनों लेयर्स के बीच में आपकी फिलोपियन ट्यूब पड़ी हुई और ओवरी आगे है, दिस इज एंटीरियरली, ठीक है, यहां से मैंने क्रॉस सेक्शन लिया, तो ओवरी इज अटैच्ड विद ब्रॉड लिगामेंट और जिस चीज के साथ अटैच्ड है उसको मीजो ओवेरियम कहते हैं, ये आती होती है आपके क्वेश्चन, ठीक है, ओवरी इज अटैच्ड विद ब्रॉड लिगामेंट थ्रू दिस मीजो ओवेरियम। उसके अलावा ओवरी से ऊपर वाला जो पोर्शन है ब्रॉड लिगामेंट का, ये वाला यानी यहां पर आ रहा है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज मीजो सैल्पिंग्स, ठीक है, तो दिस इज मीजो सैल्पिंग्स, ओवरी जिसके थ्रू अटैच्ड है थ्रू टू द ब्रॉड लिगामेंट वो मीजो ओवेरियम है, और रेस्ट ऑफ द ये जो सारा ब्रॉड लिगामेंट है इसको कहते हैं मीजोमिट्रियम, जो कि यूट्रस के ऊपर होता है, तो मीजोमिट्रियम हो गया, मीजो सैल्पिंग्स हो गया और ये मीजो ओवेरियम हो गया, दैट्स इट। आपने ब्रॉड लिगामेंट के बारे में ये चीजें याद रखनी है, फिर आपने याद रखना है कि ब्रॉड लिगामेंट के ही अंदर ट्रेवर्स कर रही होती है आपके ओवेरियन आर्टरीज है, और राउंड लिगामेंट भी आएगा, ठीक है, उसके अलावा जो आपका राउंड लिगामेंट ओवेरियन लिगामेंट है वो सब इधर ही होते हैं। अब उनकी पिक्चर जरा देख लेते हैं ताकि हमें वो सारी भी चीजें क्लियर हो जाए। अच्छा ये वाला, हाँ पहले आपको फिर से दिखा दिया कि दिस इज ब्रॉड लिगामेंट, थोड़ा सा उसका एनहांस्ड व्यू है कि ये ओवरी है एंड दिस इज द, अच्छा ये अब ओवेरियन लिगामेंट है, इसका ताल्लुक उससे नहीं, ओवेरियन लिगामेंट पहले बता देती हूँ। ओवरी जो है ना, यहां से इसकी मीडियल सरफेस है, अब ये ओवरी की लैटरल साइड ये है जिधर लगा हुआ सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, एंड ओवरी की मीडियल साइड ये है, मीडियल साइड ऑफ ओवरी पे जो लिगामेंट लगा हुआ था जिसको यूट्रस के साथ अटैच करता है बिल्कुल उस जगह पर जहां पर फिलोपियन ट्यूब आके एंटर हो रही होती है, इस वाले लिगामेंट को हम कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट, यहां यूट्रो ओवेरियन लिखा हुआ है, आपकी बुक में ओवेरियन लिखा होगा, ठीक है, तो दिस इज ओवेरियन लिगामेंट, और ये ओवेरियन लिगामेंट आगे कंटिन्यू होता है और ये आखिर में लेबियो में जोड़ा कि स्किन तक चला जाता है, तो तब उसको हम राउंड लिगामेंट कहते हैं, लेकिन फिलहाल जहां पर ये ओवरी से निकल के यूट्रस तक जा रहा है उसको ओवेरियन कहना है, एक ही लिगामेंट होता है। उसके बाद ये जो ओवरी का लैटरली होता है ये सस्पेंसरी होता है जिसके थ्रू ओवरी सस्पेंडेड होती है, ठीक है, एक ये हो गया, तो हमने तीन कर लिया, बताया एक ब्रॉड कर लिया, एक हमने कर दिया ये ओवेरियन लिगामेंट, एक हमने कर लिया सस्पेंसरी लिगामेंट, उसके बाद दो और होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप इस तस्वीर में देखिएगा जरा दोबारा से, तो सस्पेंसरी लिगामेंट ये ओवरी है, ये आपको सस्पेंसरी लिगामेंट नजर आ रहा है, ठीक है, फिर ये तो आपकी फिलोपियन ट्यूब होगी जैसे आपको पता है, ये येलो वाली ओवरी होगी, ये बड़ा वाला जो पीछे ये ब्रॉड लिगामेंट है ये भी पता है। अब मैंने आपसे कहा था कि ये ओवरी इज अटैच्ड विद द ये यूट्रस थ्रू अ लिगामेंट विच इज कॉल्ड एज ओवेरियन लिगामेंट, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये ओवरी की अटैचमेंट है विद द ट्यूब, लाइट पिंक से कलर का है। उसके बाद ये ओवेरियन लिगामेंट आगे कंटिन्यू करता है और ये देखिए नीचे आया हुआ है, इसको हमने लिखा हुआ है राउंड लिगामेंट, तो ओवेरियन लिगामेंट कंटिन्यूएशन होती है राउंड लिगामेंट, ये बात हमने कर ली। फिर आप देखिए कि जहां पर ये वाले सर्विक्स के होते हैं इतने बड़े बड़े से, जहां सर्विक्स एंड वॉल्ट ऑफ वजाइना है वहां से आपके पास एक और लिगामेंट आया हुआ है ये वाला, जिसको इन्हें लेबल किया हुआ कार्डिनल लिगामेंट, तो कार्डिनल लिगामेंट यूट्रस की सपोर्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ वजाइनल वॉल्ट और सर्विक्स वाली जगह से अराइज करता है और लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस से अटैच हो जाता है, और इसी तरह की एक सपोर्ट एक और दे रहा होता है ये वाला लिगामेंट विच इज यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ये भी साइड से ही आ रहा है वजाइनल वॉल्ट और सर्विक्स वाली जगह से और ये भी लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस से अटैच हो रहा है, तो हमने ये सारे लिगामेंट्स के नाम याद रखने होते हैं, यूट्रोसैक्रल, कार्डिनल,
ओवेरियन जो ये वाला है, राउंड जो आगे कॉन्टिन्यूएशन है, एंड देन द ब्रॉड वन, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपकी सारी एनाटॉमी तकरीबन यहाँ पर खत्म हो जाती है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं होती। अब हम सिर्फ ब्लड सप्लाई करेंगे, जो कि अगेन क्वेश्चन में आते किसी को मसल के नाश में। थैंक यू।